नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। चुनावी दंगल 2020 को लेकर के मैं पहुंच चुकी हूं बीपी हाई स्कूल चौक पर, और यहां मैं जानूंगी जनता के दिलों का हाल, क्या कहते हैं वो अपने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। उनके दिलों में विधायक के लिए कितना सीट सुरक्षित है, किसके लिए सीट कितना सुरक्षित है, आइए मैं जानती हूँ। आपके इधर के विधायक कौन है? हमारे यहाँ के बोगो सिंह। बोगो सिंह है, क्या लगता है आपको, कैसा काम किए हैं वो अपने कार्यकाल में? ठीक ठाक है। अच्छा काम किए, क्या लगता है कि मतलब आगामी विधानसभा चुनाव में वही आएंगे या फिर कोई नया चेहरा को आप लोग पसंद करेंगे? नहीं, संभावना तो वही है। संभावना वही है, क्योंकि कैसे लगता है कि संभावना वही है? नहीं, काम किए हैं कुछ ऐसे। काम बहुत अच्छे। कि आप मटिहानी में किस क्षेत्र में आपका घर पड़ता है? हमारा तो यहीं पे, हम बगल में हैं। अच्छा, तो आपके तरफ कोई काम हुआ है उनका, बोगो सिंह का? नहीं, कोई खास नहीं। कोई खास नहीं, लेकिन आपके अगल बगल में हुआ है तो इसलिए आप बोगो सिंह को ही लाना पसंद करेंगे। चलिए, आपका नाम? गिरिराज किशोर। चलिए, धन्यवाद। हमारे कौन है आपके तरफ के विधायक? नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह। हाँ, तो क्या लगता है कि वो काम किए हैं, कितना काम किए हैं आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हीं को लाएंगे या फिर कोई दूसरा नया चेहरा? नहीं, वही आएंगे, वही आएंगे। एकदम डिट्टो, पक्का एकदम लगा दिए ठप्पा आप लोग? हाँ, अभी से लगा हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव वही आएंगे, वही आएंगे। चुनावी दंगल 2020 को लेकर के मैं चाय के दुकान पे पहुंच चुकी हूं और यहां के कुछ लोग बैठे हुए यहां पे, मैं उनसे भी बात करूंगी और उनसे जानती हूं कि वो अपने विधायक के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ललन कुमार है। आप बेगूसराय विधानसभा से है ना आप? नहीं, हमारा मटिहानी विधानसभा पड़ता है। मटिहानी विधानसभा पड़ता है, तो आपके विधायक बोगो सिंह है? बोगो सिंह, कैसा काम किए हैं? काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में भी फिर उन्हीं को लाएंगे? हाँ, काम के अनुसार उनको वोट मिल जाएगा। आपके क्षेत्र में कोई काम हुआ है उनके? नहीं, काम तो जहाँ तक तो 99% कर देते हैं। हाँ, 1% छूटता है बस। आप कहाँ से? बेगूसराय विधानसभा से हैं? मटिहानी से। मटिहानी से आप भी हैं, तो आपको क्या लगता है आपके विधायक कौन है वहाँ के? नरेंद्र सिंह बोगो सिंह। बोगो सिंह, तो क्या लगता है कि वो अच्छा काम किए हैं या फिर? वही अच्छा काम किए हैं। वही अच्छा काम किए। क्या लगता है आपको कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में फिर उन्हीं का दबदबा हो पाएगा? फिर उन्हीं का होगा, उन्हीं का होगा। कोई नया चेहरा नहीं आने वाला है? नहीं, कोई नया चेहरा नहीं। आप कहाँ से हैं? मटिहानी है। आप भी मटिहानी विधानसभा चुनाव से, तो आपको क्या लगता है कि? बस नरेंद्र बाबू ही। हाँ। क्यों ऐसा क्यों लगता है, नरेंद्र बाबू ही क्यों? काम है उतना करता। कोई और नेता क्यों नहीं चुन रहे आप? कोनो नेता नहीं, कोई नेता। आपके कोई काम किए? सुने कि वो आम सभा भी लगाते हैं, तो उनके आम सभा में आप गए कभी? हाँ, गए। कैसा रिस्पॉन्स? बढ़िया रिस्पॉन्स। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? फर्स्ट क्लास है, उन्हीं को हम लोग अगला बेर फिर वोट देंगे जी। हाँ हाँ, कोई नया चेहरा नहीं? नहीं नहीं, काम के अनुसार जो हम लोग को काम देखेंगे उन्हीं को न देंगे। हम लोग के है सड़क, बिजली, शिक्षा, स्कूल, यही सब तो सही कर रहे हैं सब। गरीब पर भी ध्यान देते हैं सब। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी दंगल 2020 को लेकर के चाय दुकान से लेकर के अभी मैं पहुँच चुकी हूँ पान के दुकान पर, और यहाँ पर जानूंगी कि उनके दिलों में विधायक की क्या खासियत है। चलिए, मैं मटिहानी में। आपके विधायक कौन है? बोगो सिंह। बोगो सिंह, क्या लगता है आपको, कैसा काम किए हैं आपके क्षेत्र में वो? काम तो ठीक, मिला जुला ठीक कर रहे हैं, मिला जुला के ठीक किए हैं। क्यों मतलब, क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है फिर से उन्हीं को आप लोग लाना पसंद करेंगे, कोई नया चेहरा आएगा? कोई नया चेहरा, कोई ऑप्शन देगा तब तो नया चुनाव होगा। अगर कोई नया ऑप्शन देगा, आप लोग ऑप्शन में किन को चुनना पसंद करेंगे? अरे, हम लोग भाजपा देते हैं, लेकिन दोनों मिल करके होता है तो उनको देते हैं बोगो सिंह। तो क्या लगता है इस बार भी बोगो सिंह ही आएंगे? हो सकता है, हो सकता है। चलिए, आपका शुभ नाम? हीरा लाल सिंह। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चुनावी दंगल 2020 को लेकर के मैं अभी बीपी हाई स्कूल के चौक पर पहुंच चुकी थी और सारे जनता से मैंने जाना कि उनके दिलों में विधायक का क्या राज है, क्या कहते हैं वो अपने विधायक के बारे में। और आगे भी मैं आपको चुनावी दंगल 2020 को लेकर के मैं आपके साथ आऊँगी और आपको दिखाऊँगी जनता का हाल, विधायक को लेकर के जनता के दिल में क्या होती है, क्या कहते हैं, कितना कौन से विधायक अपने जनता के दिलों में क्या राज कर पाए हैं, कितना राज कर पाए हैं, मैं दिखाती रहूँगी। और देखते रहिए, आप देखना ना भूलें बेगूसराय टुडे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो भी ज़रूर करें।